job. Ostad. Vous n'êtes pas loin du compte. Bon, prenez encore ça. इस फिल्म की कहानी जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों से इंस्पायर्ड। एक दिन उसके छिछोरे दोस्तों से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह उन पार्ट्स को देखने के लिए किस तरह से बावला हो जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द बॉय ऑफ टेरेस। फिल्म की शुरुआत में हम 12 साल के जॉनी सिंह को उसके दो लंगोटिया यार जॉन और देने के साथ बाजार में लड़कियों को छेड़ते हुए देखते हैं, जो उन लड़कियों के सामने अपनी डाल गलाने की नाकाम कोशिशें करता है और उसे सफलता हाथ नहीं लगते हैं। वहीं जॉनी देने के साथ मिलकर एक लड़कियों को कब्जे में ले जाने का बंदोबस्त करने में लगा हुआ था। तभी जॉनी के एक रिश्तेदार बाजार में उसे वो सब करते हुए देख रहे थे, ने उन्हें देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद जॉनी एक वाइन शॉप पर पहुंच गए जहां वह पार्ट टाइम होम डिलीवरी की नौकरी भी किया करता था। उसे एक कर्मठ विवाह करने पर 2 रुपए मिलते थे। जॉनी हमेशा की तरह उस वाइन शॉप के रेगुलर कस्टमर शमीम के पास जाता है। सलीम पैसे से एक मोची था, पर वह उस शहर में होने वाले इवेंट में गाना गाने का काम भी किया करता था। जॉनी और उसके वह दोनों लंगोटिया यार अक्सर सलीम की दुकान पर बैठकर पंचायत मारते रहते थे। कुछ देर बाद एक लेडी सलीम के पास अपना सैंडल लेने आती है, जिसे उसने सलीम को कुछ देर पहले रिपेयर करने के लिए दिया था। सलीम उस लेडी को उसका सैंडल वापस करते हुए उसे उसका दिल देता है, पर वह लेडी अपना पर्स लाना भूल गए थे। ये देख सलीम को बड़ा डैक होता है, लेकिन उस लेडी के अंदाज को देखते हुए सेलिंग समझ जाता है कि वह लेडी पेमेंट किसी और तरीके से करना चाहती है। चलेंगे, बिना समय गवाए उस लेडी को अपने घर के अंदर ले जाता है। जाते जाते हैं उसने जॉनी से अपनी दुकान की रखवाली करने के लिए कह दिया था। शाम को जब जॉनी अपने घर पहुंचता है, तब उसके फादर उसकी खूब धुनाई करते हैं, क्योंकि उस रिश्तेदार ने जोड़ने की हरकतों के बारे में उसके फादर को सब बता दिया था। तभी बीच बचाव करने जोड़ने की बुआ बीच में आ जाती है और किसी तरह से जोड़ने के पिछवाड़े को लाल से बचा लेती है। जॉनी बस्तु गया था और उसके फादर ने उसे एक सैलून में झाड़ू मारने के काम पर रखवा दिया था, लेकिन जोड़ने का मन नहीं लगता है क्योंकि वह तो हर वक्त लड़कियों के बारे में ही सोचते रहता था। जॉनी इस बारे में अपनी माँ से बात करता है, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करते थे। सो वह जॉनी से कहते हैं कि ठीक है, तुम कल से सैलून मर जाना, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगी। अगले दिन जब जॉनी नहीं देने के साथ सलीम की दुकान पर अंदाजा मगर बैठा हुआ था, तभी दूसरे मोहल्ले के कुछ मुस्टंडे जून को पीटते हुए वहां लेकर आते हैं। दरअसल उन मुसलमानों ने जून को उनके मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ लिया था। इधर जॉनी चुपके से खिसक जाता है और सीने वाले को बुलाकर लाता है। वाले के आते ही सलीम देने में भी जाना जाता है और एक छोटा सा युद्ध होने वाला था कि तभी वहां जोड़ने की मौसी लतीफा भी वहां आ जाती है। लतीफा की खूबसूरती को देखते वहां मौजूद सारे मर्द लड़ाई झगड़ा छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। फीफा के आने की वजह से जोड़ने के पापा काफी नाराज थे। दरअसल वह जब भी लतीफा को देखते थे तब वह बिना अपने हाथ गाड़ी चलाए रह नहीं पाते थे। एक दिन जॉनी अपने फादर को टिफिन देने उनके शॉप पर जाता है, जहां वह देखता है कि उसके फादर तो किसी अनारकली के साथ ने इन्वर्टर का करने में बिजी हैं। जो जब 100 के अंदर टिफिन में जाता है तो वह उसे सरस सलील की लेटेस्ट एडिशन वाले मैगजीन्स मिलती है, जिसके कवर फोटो को देखकर वह बावला हो जाता है। वह तुरंत उस मैगजीन को अपनी चड्डी में छुपा कर वहां से 1-2 का 4 हो जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें वह मैगजीन्स देखा था। तीनों मैगजीन को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुबेर का कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन जॉन के पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान था कि उसने साइबर कैफे में जाकर खबर.com पर कुछ वीडियोज देख ली थी, जिस वजह से अब से उसका काम नहीं चल पाता था। जॉनी को भी जब लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता चलता है तो वह उसे देखने के लिए बावला हो जाता है और अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी में जुट जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह हर हफ्ते अपनी माँ के साथ पब्लिक पार्क लेने जाता है, जहाँ औरतें नंग धड़ंग हालत में इधर उधर घूमते रहे दिए। इसी प्लानिंग के साथ वह अगले दिन अपनी माँ के साथ दूर किस बात पार्टन जाता है, लेकिन इस बार बात पार्लर में एक ने ले ली थी और वो जो नहीं को अंदर जाने से मना कर लेती है, क्योंकि अब वह 12 साल का हो गया था। और किसी तरह जॉनी की माँ उस लेडी को 100 से ज्यादा देने का वादा करके उसे मरना ही लेती है, और जॉनी जिस चीज के दर्शन करने आया था उसे वह मिलते ही नहीं है। अगले दिन जॉनी के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुमने प्राइवेट पार्ट के दर्शन कर करने तक। जॉनी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे हाथ पाया निवाला उसके मुंह को ना लग सका। ये कहानी सुनते इसके दोनों दोस्त उसे घोंचू के लिए कर वहां से जाने लगते हैं, और जॉनी अपने छोटे जिद्दी कसम खाकर कहता है कि जब अगली बार वह मार्च परिसर में जाएगा तब वह प्राइवेट पार्ट के दर्शन करके रहेगा। उसी शाम जॉनी के रिश्तेदार मामा जमीला नाम के एक लड़की को उसके घर लेकर आते हैं। दरअसल जॉनी की मैं अकेले घर का सारा काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जमीला को वहां काम करने के लिए लाया गया था। दूसरी तरफ उस मोहल्ले के सभी मर्द जोड़ने की मौत से यानी कि लतीफा को पटाने में लगे हुए थे। वह जोड़ने के हाथों लतीफा के लिए तरह तरह के फिर भी भिजवाते हैं, पर जो नहीं चाहता था कि उसकी मौसी की अनलॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं कि वे सलीम लतीफा वह जाने लगा था, और कहीं न कहीं लतीफा का भी यही हाल था। ये भी लतीफा आपने चबाया हुआ सेंटर पर जोड़ने के हाथों सलीम को भिजवा। सलीम में बड़े चाव से सिंगल को चबाते हुए लतीफा के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है। उस प्रेम पत्र में शर्लिन ने काफी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे पढ़कर लतीफा तूने
8% चार्ज हो जाती है। एक दिन फिर जो ने अपनी माँ के साथ बात पर जाता है, पर आज पार्लर की लेडी ने ठान लिया था कि वह चाहे जो हो जाए पर जोनी को अंदर नहीं जाने देगी। दरअसल जोनी की माँ ने उस लेडी को 100 से ज्यादा देने की जो बात कही थी वह उसने अब तक नहीं दी थी, इसलिए वह लेडी नाराज हो गए थे। केयर पेमेंट मिलते ही वह जोनी को अंदर जाने की इजाज़त दे देती है। जोनी आज अपने मिशन को अंजाम देने की फिराक में था और इससे पहले कि वह अपने मिशन में कामयाब हो पाता उसे लेडी धर दबोच लिए। दरअसल उस लेडी को जोड़ने के इरादों पर शक हो गया था और उसी वजह से वह जोनी के पीछे काफी समय से लगी हुई थी। पूरे बाद पार्लर में अफरा तफरी मच जाती है। जोने यह माँ से बहुत झांटे और कहीं न कहीं जोनी को भी पता चल गया था कि आज उसका उस बात पर में आखिरी ने। इस घटना के बाद जोड़ने की माँ ने उसे अपने साथ बाद में ले जाना बंद कर दिया था। साथ ही साथ जोने अंदर ही अंदर काफी ज्यादा एम्बेडश्विन कर रहा था, इसी वजह से वो अपने छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाता है। उसकी माँ उसे हर तरफ ढूंढती है और उसका कोई अता पता नहीं था। तब हार कर जोड़ने की माँ जमीला से जोड़ने को ढूंढने के लिए कहती है। पूरे घर की छानबीन करने के बाद आखिर फिर जमीला जोड़ी को ढूंढ ही लेती है, जो और कहीं नहीं बल्कि जमीला कहीं कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। जमीनों से लगाना ठीक नहीं समझते हैं और चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। शाम को जब जोड़ने की नींद खुलती है तो अपना मन हल्का करने के लिए सलीम के पास जाता है, पर वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खेल कर जाकर देखता है कि शर्लिन तो उसकी मौसी यानी कि लतीफा के अनलॉकिंग करने में लगा हुआ है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा जाते और वह उन दोनों में से किसी को भी बिना बिस्तर के वहां से चला जाता है। देर रात घर लौटने पर जोड़ने की नजर जमीला की तरफ जाती है, जो भी घोड़े बेचकर सो रही थी। अब क्योंकि जोने अभी भी सलीम को अनुभव सिंह करते हुए देखकर आ रहा था, इसी वजह से उसका छोटा चेतन खड़ा था और उसी उत्सुकता के कारण वह जमीला के एशियन बॉक्सिंग करने में लग जाता है। तभी जमीला करवट बदलने के लिए हिलती है, जिस वजह से डर के मारे जाने की फटके चार हो जाती है। अब अगले दिन जोने अपने घर के छत पर देवदास बनकर बैठा हुआ था। दरअसल वह अपनी फूटी किस्मत को अंदर ही अंदर कोस रहा था। उसने प्राइवेट पार्ट के दर्शन करने की कितनी कोशिश की और उसके हाथ को चूना लगा, इसी वजह से वह होकर बैठा हुआ था। जो नहीं कि माँ बाप पैदल जा रहे थे, तभी जो भी उनके साथ चलने की जिद करने लगते हैं, पर उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती है। वो होनी चाहिए थी कि तुम्हें बात पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, जमीला तुम्हें घर पर ही नहलाते ही। इतना कहकर वह बात पर जाने के लिए निकल जाती है। अब जोनी जमीला के संग घर पर अकेला था, जमीला उसे लहलहा रहे थे। तभी जोने अपना आखिरी पासा फेंक दे वह जमीला को भी उसके साथ नहाने के लिए कहता है। पहले तो जमीला मना करती है, पर जोने के लगातार फोर्स करने पर आखिरकार वह मानी जाती है और उसने अपने पूरे कपड़े नहीं उतारे थे। जोने जमीला से उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर जमीला साफ इनकार कर देती है, लेकिन होने से समझाते हुए कहता है कि उसने पहले भी बात पार्लर में लगे क्यों को नंगा होते देखा है, उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। ये सुनकर जमीला अपने कपड़े उतारने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि जोनी जमीला के पास के दर्शन कर पाता उसकी माँ बाद पहले से वापस आ जाते हैं और उन दोनों को रंगारंग कार्यक्रम करते हुए देख लेती है। जो नहीं समझ चुका था कि अब उसकी माँ के फादर को सब बता देगी, जिसके बाद उसके फादर मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल देंगे। रात में अपने फादर से मार खाने के बाद जब जोनी अपने कमरे में पहुंचता है तो वह जमीला को अपने बिस्तर पर देखकर हैरान रह जाता है। जमीला को पता था कि आज इस घर में उसकी आखिरी रात है, इसे जाने से पहले वह जोनी को अपनी मौत के कुएं के दर्शन करवाने आई थी। बस फिर क्या था, जोने रात भर जमीला की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, अपनी पहली इनिंग्स में सेंचुरी लगा देता है। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही हम जोनी को खुशी से उछलते हुए देखते हैं कि उसने पिछली रात दुनिया की सबसे खतरनाक को मौत के कुएं के दर्शन कर लिए थे। कुछ देर बाद जोनी के रिश्तेदार मामा जमीला को लेने आ जाते हैं। ये देखकर जो काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि अब उसे यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। जाते जाते हैं मिर्च मिलाकर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि वह भी कहीं न कहीं जोड़ने के परंतु और परफॉर्मेंस से खुश थे। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो आज नहीं तो कल वो आपको मिल जाती है।